ITC एक ऐसा जाना पहचाना ब्रांड जिसके बारे में आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी तो जरूरी सुना होगा, और इसके मोस्ट फेमस प्रोडक्ट टेबैकू, इसके बारे में तो काफ़ी लोगों ने यूज भी किया होगा, क्योंकि अगर हम बात करें आज इंडिया के लेवल पे तो हर चार में से एक इंसान जरूरी स्मोकिंग करता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ITC के ऊपर, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इंडिया में एक इतना बड़ा FMCG का मार्केट कैसे बन गया। क्योंकि मैं अगर बताऊँ आपको तो आज इंडिया के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट FMCG सेक्टर में है, और इनके प्रोडक्ट्स आज आपको इंडिया के लगभग लगभग 140 मिलियन घरों के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनके प्रोडक्ट्स ये लगभग 90 अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो जैसे इनको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को चाहिए सबसे पहले दूध। तो दूध कहाँ से लोगे भाई, हम ही ITC हैं, हम ही से दूध ले लो, हम दूध बेचते हैं आशीर्वाद स्वस्ति का। अब दूध हो गया, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो उसको रोटी खिलाओ, किसका खिलाओगे, हमारा ही खिला लो आशीर्वाद आटा का। अब बच्चा और जिद करने लगा, बदमाशी कर रहा है, उसको EP नूडल्स खिला लो, सनफिश का बिस्किट खिला लो, डार्क फैंटेसी बिस्किट खिला लो, चॉकलेट फेवले खिला लो, कैंडीमैन का चॉकलेट खिला लो, बिंगो मेडेंगल्स टेढ़े मेढ़े सब कुछ खिला लो। अब बच्चा और बड़ा हुआ, स्कूल में जाने योग्य हो गया तो उसको क्लासमेट की नोटबुक दिला दो, वो भी हम ही बेचते हैं। अब और भी स्टेशनरी आइटम्स जितने भी है वो भी हम ही से दिला लो। और अब बच्चा और ज़्यादा एडल्ट एज में आ गया तो उसे अब मौज मस्ती करने का शौक़ हुआ तो होटल भी हम ही देते हैं, होटल हमारे ही ले लो, अपैरल्स का ब्रांड भी हमारा है, दो उनका ब्रांड है जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे व्हील्स लाइफस्टाइल हो गया और जॉन्स प्लेयर हो गया, तो ये दो इनका अपैरल ब्रांड भी है, तो उन्हीं से कपड़े भी खरीद लो आप। और अगर आपको स्मोकिंग वगैरह करना है तो मैंने बताया कि स्मोकिंग में इनका सबसे बड़ा जो मेजर सेक्टर है इंडिया के अंदर, उनका गोल्डफ्लेक आ गया, फ्लैक आ गया, क्लासिक आ गया, नेवी कट आ गया, सीजर्स आ गया, इंडिया किंग आ गया, और भी कई सारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनके। और अब बूढ़ा बुजुर्ग हो गए आप तो आपके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, तो नहीं भैया, ITC ने यहाँ भी हाथ मारा है। अब आप बचपन से जो आपने कांड किए हो तो उसके लिए पूजा पाठ भी तो करोगे कि हाँ भाई मुझे भगवान सुमति दे या फिर और भी कुछ, तो उसके लिए भी इनके पास प्रोडक्ट है। और आप बोलोगे क्या प्रोडक्ट है, तो अगरबत्ती है मंगल दीप का इनके पास, धूप है, घी है, अब उसको अगरबत्ती जलाने के लिए भी इनके पास माचिस भी अवेलेबल है, जो आप देखते हो कि एम का माचिस आता है वो इन्हीं का है। और अभी तो जो ज़्यादा घरों में यूज होता है मैच स्टिक जो होम लाइट्स का, तो जो कि विम्को की पेरेंट कंपनी है बेसिकली, तो उन्होंने भी इसको भी एक्वायर कर लिया है, और होम लाइट जो माचिस है वो भी इन्हीं के अंदर आता है। तो दोस्तों आज इनके पास देखा जाए तो बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये मार्केट में लीडर बने हुए हैं। तो आज हम कंप्लीट जर्नी जानने वाले हैं ITC के बारे में कि कहां से ये फॉर्मेशन हुआ और कहां से इनके कहां तक प्रोडक्ट ये एक्सपेंड कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर्य, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिम पे, जहाँ हम बात करते हैं स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में। तो चलिए बिना देर के लिए आज की केस स्टडी शुरू करते हैं ITC के ऊपर। ITC जिसका फॉर्मर नाम था इंपीरियल टेबैको कंपनी, इसकी फॉर्मेशन होती है 24 अगस्त 1910 को वेस्ट बंगाल के अंदर। अब जब पहली बार ये इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर अपने ऑफिस जो लेते हैं वहाँ पे वो लीज पे लेते हैं। अब लीज पे लेने के बाद इनका जो मेनली फोकस होता है बिजनेस पे वो सबसे पहले टेबैको के ऊपर होता है, और आपको पता होगा कि टेबैको जो है वो पत्ते से बनता है, लीफ से बनता है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना फार्मर से कंसल्ट करके अच्छे दामों में और अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के लीफ्स लाए जाए। और फिर साल 1911 में ये साउथ के फार्मर से पार्टनरशिप कर लेते हैं और वहाँ से पत्ते वगैरह सोर्स करने लग जाते हैं, और फिर अपना ये पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देते हैं बेंगलोर के अंदर, जहाँ पे ये सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं 1913 में। और फिर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहुत अच्छी चल पड़ती है, क्योंकि मैं बताऊं आपको तो इनका पहले से भी एक्सपीरियंस होता है कुछ, जहाँ पे ये टेबैको बना चुके होते हैं ब्रिटिश कंपनी से। और फिर 1928 में ये अपना पहला हेडक्वार्टर डालते हैं कोलकाता के अंदर, जिसका जो नाम होता है वो होता है वर्जीनिया हाउस। अब भाई सिगरेट की फैक्ट्री तो डल गई, अब इनका दिमाग लगने लगा कि अब इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए। तो आपने देखा होगा कि सिगरेट जो बनता है उसके अंदर जो टिश्यू पेपर होता है जो रोल रोल टाइप से होता है, तो उसका इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टिश्यू पेपर का भी मैन्युफैक्चरिंग हम ही करने लग जाएं, और ताकि इसका प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो कम पड़े और साथ ही साथ हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन जो बचे वो और ज़्यादा बचेगा। तो फिर मैं बताऊँगा आपको, तो साल 1946 में इन्होंने टिश्यू पेपर मेकिंग का प्लांट भी बैठा दिया। और फिर इतना ही नहीं, साल 1949 में इन्होंने ये भी सोच लिया कि क्यों ना प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग भी इसका खुद से करने लग जाएं, तो और भी कॉस्ट कम हो जाएगा, तो सही बात है। और फिर साल 1949 में इन्होंने प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी खुद का ही डाल लिया। अब भाई अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने के बाद साल 1954 में 27 अगस्त को इन्होंने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, और उसी समय साल 1969 के अंदर कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन के रूप में अजीत नारायण हंसकर जी अपॉइंट किए जाते हैं। और मैं बताऊँ दोस्तों, तो इन्हीं के लीडरशिप में कंपनी का नाम इंपीरियल टेबैको कंपनी से 1970 में बदलकर इंडियन टेबैको कंपनी कर दिया जाता है। और तभी इनका दिमाग लगता है कि हम क्यों ना अलग अलग सेक्टर में भी एंट्री मारें,
और फिर ये बेंगलोर में 1973 में अलग अलग जगह पे रिसर्च सेंटर बनाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम और भी सेक्टर में, जैसे कि टबैको में इंडस्ट्री में तो ये अपना पैर जमाई चुके थे इंडिया के अंदर, और फिर दिमाग लगाते हैं कि अलग अलग जो रिसर्च सेंटर बनाए इन्होंने वहाँ पे अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाए और अलग अलग सेक्टर में ये एंट्री मारे, जैसे हो गया होटल इंडस्ट्री और FMCG कंपनी में। तो फिर इन्होंने जब रिसर्च सेंटर बनाए तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि हमारे जो नाम है कंपनी का वो इंडियन टबैको कंपनी है। अब टबैको जो वर्ड है इसकी कंपनी में तो ये तो सूट नहीं करेगा अगर वो अलग सेक्टर में जाएंगे, तो लोग सोचेंगे भाई ये टबैको ही बस बेचती है और ख़राब कंपनी है ऐसा वैसा करके। और फिर साल 1974 में अपनी कंपनी का फिर से इन्होंने नाम चेंज किया और इंडियन टबैको कंपनी का नाम बदल करके I.T.C कर दिया। और कंपनी का नाम चेंज करने के बाद इन्होंने तुरंत ही होटल इंडस्ट्री में एंट्री मार ली, और होटल इंडस्ट्री में एंट्री मारी इन्होंने 1975 में। और इन्होंने जो एंट्री मारी क्योंकि इनके पास कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा आ चुका था टबैको कंपनी से ही, टबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही, तो इन्होंने जो होटल इस सेक्टर में एंट्री मारी वो मद्रास के एक होटल चोला सेरेटॉन नाम की एक होटल को एक्वायर किया और फिर बाद में उसका नाम बदल करके वेलकम होटल कर दिया। और ITC का उस समय कहना था दोस्तों कि ये जो होटल इंडस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं उनका सीधा सीधी फोकस रहेगा टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, जहाँ पे जो फॉरेनर्स होंगे एज अ टूरिस्ट आएंगे और घूमेंगे रहेंगे और फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन जो वहाँ पे होगा वो अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर लेंगे उससे, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा इनकी कंपनी के लिए भी और देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी। और आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो होटल इंडस्ट्री में IT इंडिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री आता है, और साथ ही साथ इनके पास आज की डेट में 100 से ज़्यादा होटल्स अवेलेबल है। अब भाई फिर धीरे धीरे इनका दिमाग जो और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, इन्होंने देखा कि हम टिश्यू पेपर बना रहे हैं, प्रिंटिंग पैकेजिंग तो बना रहे थे, जो प्रिंटिंग में जो बोर्ड होता है वो उसका पेपर बोर्ड का भी बिजनेस क्यों ना हम ही स्टार्ट कर दें। तो भाई मैं बताऊं आपको तो साल 1979 के अंदर ही इन्होंने पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी एंट्री मार ली, और इनका पेपर बोर्ड तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है। मैं बताऊं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में 7 से 8 महीने खुद ही काम किया हुआ है, तो इनका ITC का जो बोर्ड आता है वो मैं खुद काफ़ी करीबी से देखा हूं और यूज़ किया हूं। और फिर ये पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर ले लेते हैं, क्योंकि इनका जो पेपर का क्वालिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और सुपीरियर होता है, और मैंने एक्सपीरियंस किया इसे मैंने बताया आपको। और फिर साल 1983 में कंपनी के नए चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं जिनका नाम होता है JN सफरू जी, और फिर वहीं से इनका इंटरनेशनली एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने नेपाल में एक्सपेंड किया, चूंकि इनका जो मेन कोर का बिजनेस होता है इंडिया के अंदर वो टबैको का होता है, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो वहाँ नेपाल में भी इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करते हैं और फिर फ्यूचर में उस कंपनी का नाम बदल करके सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिगरेट का ही और टबैको का ही। और दूसरी तरफ उनका होटल और बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा चल ही रहा था, और इसको भी उन्होंने फिर इंटरनेशनली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और वो न्यूयॉर्क पहुंच गया। न्यूयॉर्क में उन्होंने एक विश्वारामा होटल को एक्वायर किया और फिर भविष्य में जाकर उसका नाम बदल करके ITC होटल लिमिटेड कर दिया। तो इनका होटल वाला बिजनेस भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली एक्सपेंड हो चुका था। जैसे मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क में इनका रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह है, और दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है। अब फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपैरल इंडस्ट्री में भी खुद से एंट्री मार दें। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि साल 1996 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी अपने ब्रांड से इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया था विल्स लाइफस्टाइल से, जहाँ पे ये बेसिकली उस समय सिर्फ स्पोर्ट्स वियर बना रहे थे, और फ्यूचर में जा करके इन्होंने अपने कैजुअल वियर भी निकाल दिया लाइफस्टाइल से ही, और फिर फ्यूचर में जा करके अपना एक और ब्रांड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपैरल के अंदर ही, जिसका नाम पड़ा जॉन्स प्लेयर। और जॉन्स प्लेयर बेसिकली मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ मेंस वियर में ही काम करती ज़्यादातर, और धीरे धीरे फिर इसको भी एक दोनों अपैरल ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने लग गए। अब दोस्तों लगभग देखा जाए तो ये सारे सेक्टर में एंट्री कर चुके थे और सारे सेक्टर में अपना हाथ पैर पूरा जमा चुके थे इंडिया के अंदर, और कहीं तो टबैको कंपनी से लेकर नेपाल के अंदर। और फिर कंपनी के नए चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं साल 1996 में YC देवेश्वर जी, और मैं बताऊँ आपको तो YC देवेश्वर जी के आने से के बाद ही ये FMCG में एंट्री मारते हैं, जहाँ पर इनका काफ़ी बोलबाला हो जाता है इंडिया के अंदर। जैसे मैं बताऊं आपको तो वैसे तो YC देवेश्वर जी 1968 में ही कंपनी ज्वाइन करते हैं ITC, लेकिन उसके बाद 1996 में उनको CEO और चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि देवेश्वर जी कैसे सारा प्रोडक्ट अपने खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं और कंपनी की ग्रोथ को इतने टॉप पर ले जाते हैं। हम बात करते हैं अभी फिलहाल YC देवेश्वर जी के एंट्री के बारे में जब ये ITC में आते हैं। तो देवेश्वर जी के एंट्री करने के बाद ही साल 2000 में सबसे पहले ये फार्मर के लिए काम करते हैं, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं एग्रीटेक ई चौपाल का, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर से होती है। और मैं बताऊँ आपको तो ई चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया कि जहाँ पे सारे फार्मर्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज मिलेगी, जैसे उनको मार्केटिंग का रेट्स और जितने भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होते हैं वो सारे इनको इंटरनेट बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो सीड्स वगैरह होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, उनके मार्केट में कब क्या रेट चल रहे हैं, किसको कब टाइम पे बेचना चाहिए या कब किस फसल को उगाना चाहिए, इनको सारे तरह के इंट्रोडक्शन और पूरा इनको चार्ट मिल जाता है सारे इनके डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा।
और इस तरह से जब सारे फार्मर्स को फ़ायदा होने लग जाता है, और अब आप पूछोगे कि ITC को इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ITC को यही बेनिफिट होता है इससे कि उसको सुपेरियर क्वालिटी के जो पत्ते हैं और कई तरह के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो डायरेक्ट फार्मर से सोर्स कर लेते हैं, और वो भी काफ़ी कम रेट पे। और आज की डेट की मैं बात करूँ तो ITC लगभग 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट सोर्स करता है फार्मर से, और इनके पास ई चौपाल के पास लगभग आज 40 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इंडल्स हैं, जो कि कुल 22 राज्यों और 36,000 विलेजेस में से आते हैं। और उसी साल ये अपने व्हील्स जो इनका ब्रांड होता है अपैरल का, उसके कई सारे आउटलेट्स भी खोलते हैं दिल्ली के अंदर ही। और फिर ये बोलते हैं कि इतने में क्या होगा, तो हम और भी कुछ सेक्टर में घुस जाते हैं जहाँ पे ये एंट्री मारते हैं, वहीं साल 2020 में ही स्टेशनरी प्रोडक्ट और साथ ही साथ गिफ्टिंग आइटम्स में भी, जहाँ पे इनका जो स्टेशनरी वाला प्रोडक्ट का ब्रांड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होता है वो होता है क्लासमेट का, और गिफ्टिंग आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो ब्रांड होता है वो होता है एक्सप्रेशंस। और फिर उसी समय IT सेक्टर का जो काफ़ी बूम चल रहा होता है, तो ये ITC वाले दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना हम इसमें भी एंट्री मार दें। तो मैं बताऊँ आपको कि वहीं साल 2020 में ये IT सेक्टर में भी एंट्री मार लेते हैं, जहाँ पे ये अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं एज ITC इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। और फिर भाई ये IT सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अलग अलग कंपनीज को अपनी सर्विस देने लग जाते हैं। उसके बाद जो इनका स्ट्रेटजी हो जाता है वो सीधा एकदम क्लियर हो जाता है कि नो स्टॉप्स फॉर ITC, और तभी इनका नाम फिर से बदल करके ITC से बदल कर सीधा ITC हो जाता है, कि अब हमारा कोई फुल फॉर्म नहीं रहेगा, कोई इंडियन टैबैको नहीं, कोई इंपेरियल टैबैको नहीं, सीधा ITC के नाम से हम जाने जाएंगे। और फिर तो भाई ये धड़ल्ले से अपने स्टेशनरी और गिफ्टिंग आइटम्स को प्रमोट करने लग जाते हैं, जहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रीमियम रेंज की ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं स्टेशनरी के अंदर, जहाँ पे ये सबसे पहले पेपर क्राफ्ट के नोटबुक्स लॉन्च करते हैं 2002 में। और जो ये पेपर क्राफ्ट का जो नोटबुक होता है उसको अगर आपने नहीं यूज़ किया तो मैं बता दूं कि पेपर क्राफ्ट का जो इनका नोटबुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रेंज के अंदर आता है। और वहीं इन्होंने मीडियम रेंज की भी एक निकाली क्लासमेट के नाम से, जहाँ पे इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि हमारे टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है इसको, और आज भी कई लोग यूज़ करते ही हैं। तो क्लासमेट के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि इनका कॉपी या नोटबुक्स किस प्रीमियम क्वालिटी का होता है। और फिर साल 2007 से 2009 तक इसको इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया और क्लासमेट को बना दिया एज ज़्यादातर स्कूल पर्पज़ के लिए। और वहीं पेपर क्राफ्ट को बात करें तो पेपर क्राफ्ट में इन्होंने ज़्यादातर ऑफिस यूज़ के लिए रखा, कि जैसे क्लासमेट की बात करें तो क्लासमेट में ज़्यादातर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स और नोटबुक वगैरह आते हैं जो कि स्कूल में पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और पेपर क्राफ्ट की बात करें तो पेपर क्राफ्ट में नोटबुक के साथ साथ टेक्स्ट लाइनर्स हो गया, मार्कर्स वगैरह हो गए, जो कि ऑफिस यूज में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, तो इन्होंने पेपर क्राफ्ट को एज ए ऑफिस यूज के लिए निकाल दिया। फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने के बाद फिर ये सेक्टर पे ध्यान थोड़ा हटाया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना FMCG में एंट्री मारा जाए। और फिर मैं बताऊँ दोस्तों तो साल 2001 में इन्होंने किचन्स ऑफ इंडिया के नाम से अपना पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इंडिया के अंदर, जहाँ पे ये सबसे पहले पैकेज फूड बनाना स्टार्ट कर दिए, और सबसे पहले इन्होंने चॉकलेट्स और फेबल्स बनाए जो कि बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बताऊँ आपको तो इंडिया के अंदर FMCG का जो मेन टारगेट होता है या जो मेन मार्केट उनका डिपेंड करता है वो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ लॉन्च किया जाए FMCG के अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले चॉकलेट्स और जो गोलियाँ होती है बच्चों के लिए वो उन्होंने लॉन्च की। और मैं कुछ बताऊँ आपको तो मिंटो उन्होंने लॉन्च किया, और साथ ही साथ इन्होंने कैंडीमैन का जो टॉफी आता है वो भी इन्होंने लॉन्च किया। और फिर वहीं 2001 में इन्होंने अपना एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे ये वीट फ्लोर बेचने लग गए और आशीर्वाद आटा के नाम से इनका ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन देने की मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज आपको आशीर्वाद आटा हर लगभग घरों में मिल जाएगा। और फिर साल 2003 में ये बिस्किट के मार्केट में भी एंट्री मार लेते हैं, जहाँ ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो बिस्किट का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उस समय देखा जाए तो मेजर जो कंपनीज थी वो ब्रिटानिया वगैरह पार्ले वगैरह थी। और फिर ITC अपना सनफिश लॉन्च करता है, और सनफिश के अंदर इनका बाउंस जो क्रीम बिस्किट होता है वो इन्होंने लॉन्च किया होता है। और उसके बाद धीरे धीरे डार्क फैंटेसी, मॉम्स मैजिक और फार्मलाइट जैसे बिस्किट इन्होंने लॉन्च किए। और फिर साल 2007 में ये पोटैटो चिप्स और स्नैक्स की इंडस्ट्री में भी एंट्री मार लेते हैं, जहाँ पे उनका जो मेजर कॉम्पिटिटर होता है वो लेज होता है। वैसे आज के टाइम पे बात करूँ तो वैसे तो पोटैटो चिप्स के मामले में लेज सबसे ऊपर है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें स्नैक्स वगैरह के मामले में तो आज भी ITC का जो ये ब्रांड है बिंगो का, जहाँ पे ये मैड एंगल्स हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गया, बिंगो चिप्स हो गया, जो इसके टॉप लेवल पे आते हैं। और फिर साल 2003 में इन्होंने पूजा पाठ के सेक्टर में भी एंट्री मार दी, जहाँ पे मैंने पीछे बताया आपको कि जो ओल्ड एज वालों के लिए जो होता है, जो बचपन से उन्होंने पाप किया होता है उसको बेसिकली धोने के लिए, तो उन्होंने पूजा पाठ के सेक्टर में भी एंट्री मारी। और 2003 में उन्होंने मंगलदीप अगरबत्ती को इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ मैं बताऊँ उन्होंने अपने मैच बॉक्सेस भी लॉन्च कर दिए जो कि एम नाम से जाना जाता है। अब भाई देवेश्वर जी को इतने में कहाँ ज़्यादा संतुष्टि मिलने वाली थी, तो उन्होंने 2005 में बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स में भी एंट्री मार ली। और सबसे पहले जो इनका प्रोडक्ट था वो था फियामा डविल्स, जो कि प्रीमियम रेंज ऑफ शैम्पूज और सॉप्स का था। और फिर सॉप्स के अलग सेक्टर में इन्होंने एंट्री मारी, जहाँ पे इनका सॉप्स का जो ब्रांड है वो विवेल हो गया, सुपीरिया हो गया, इस सब में ये अपना मार्केट को एक्सपेंड करने लग गए। और फिर बॉडी केयर से रिलेटेड इन्होंने साल 2013 में इंगेज का जो इनका डिओड्रेंट्स परफ्यूम आता है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया, और आप जानते होंगे कि इंगेज का जो परफ्यूम आज कितना मार्केट कैप्चर कर रहा है।
फिर भाई ये इतना काम मानने वाले थे तो साल 2010 में इन्होंने डायरेक्ट मैगी से कॉम्पीट करने के लिए अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दिया नूडल्स का, यिप्पी नूडल्स, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। और फिर साल 2014 में च्युइंगम का ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दिया गमोन के नाम से। और फिर इतना ही नहीं, साल 2015 में उन्होंने अपना इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लॉन्च कर दिया बी नेचुरल के नाम से। अगर मैं बताऊँ बी नेचुरल के बारे में तो मैंने खुद भी इसका उपयोग किया हुआ है और ये काफ़ी हद तक बेस्ट लगता है मुझे। और फिर इतना ही नहीं, साल 2016 में उन्होंने कॉफ़ी के मार्केट में भी एंट्री मारी, जहाँ पे वो अपनी कंपनी लॉन्च किया सन बीन्स के नाम से, जहाँ पे बेसिकली वो कॉफ़ी के बीन्स बेचा करते थे। और फिर इतना ही नहीं, साल 2017 में वो नहीं रुके और अपना ITC का मसाला भी लॉन्च कर दिया ITC मास्टर शेफ से। और फिर ये रियलाइज करते कि हम मसाला बेच रहे थे, क्यों ना सब्जी उब्जी भाजी उजी भी हम ही बेचने लग जाए। तो फिर साल 2017 में ये फार्मलैंड कंपनी अपनी इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे ये पोटैटो के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया होता है कि इंडिया के अंदर जो पोटैटो का मार्केट है वो लगभग 70,000 करोड़ का होता है। और मैं बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे अपने पोटैटो के वेराइटी ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे लो शुगर पोटैटो, एंटी ऑक्सीडेंट पोटैटो और साथ ही साथ ये बेबी पोटैटो और जो फ्रेंच राइज के पोटैटो आते हैं वो ये भी लॉन्च कर देते हैं। और साथ ही साथ पोटैटो के साथ साथ कई सारे सब्जियां भी लॉन्च कर देते हैं अपने फार्मलैंड प्लेटफॉर्म पे। और अभी कोविड का जो टाइम चल रहा है, आपको तो समझ में आ गया होगा कि हाथ धोना कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो इसकी जो तैयारी इन्होंने पहले कर ली थी साल 2015 में ही सेवलॉन कंपनी को एक्वायर करके। और बेसिकली सेवलॉन, आपको अगर नहीं पता तो डिटॉल की राइवल कंपनी है ये। और फिर साल 2017 में ये नहीं रुके और फेस क्रीम की कंपनी चार्मिस को एक्वायर कर लिया। और चार्मिस फेस बेसिकली एक फेस क्रीम है और उस समय पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट हुआ करती थी फेस क्रीम के मामले में। तो इन्होंने फिर उसको भी एक्वायर कर लिया और उसको भी अपने में इंडल्स करके ये अपने प्लेटफॉर्म पे बेचने लग गए। तो भाई देखा जाए तो इनका जो सारा बिजनेस था वो सारा एक इकोसिस्टम बन चुका था, जहाँ पे ये पूरे ITC के अंदर था। और इनका सारा बिजनेस मैं बताऊँ दोस्तों तो सारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड था। अब आप बोल रहे हो कि कैसे, तो मैं बताऊँ आपको। तो इन्होंने सबसे पहले अपना टबैको का जो कंपनी स्टार्ट किया वो फार्मर से पार्टनरशिप करने के बाद स्टार्ट किया, जैसे वहाँ से ये पत्ते वगैरह मंगाने लग गए। अब टबैको बनाने के बाद ये इन्होंने एंट्री मारा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में। तो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जो कि बनता है, जो पेपर वगैरह जो बनता है वहाँ पे, वो लकड़ी से ही बनता है। अगर आपको नहीं पता तो लकड़ी को रिसाइकिल किया जाता है और उसके बाद बनता है। तो वहाँ से इन्होंने फिर इसकी भी एंट्री मार दी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में। और फिर धीरे धीरे इसको पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी वो ले गए। और पेपर बोर्ड के बिजनेस के बाद उसके उन्होंने इसको स्टेशनरी में भी एक्सपेंड करने लग गए। उसके बाद मतलब धीरे धीरे करते करते फिर वो FMCG में एंट्री मारते हैं। और होटल इंडस्ट्री के बाद वो अपैरल इंडस्ट्री में भी एंट्री मार लेते हैं। तो देखा जाए तो इनका जो टोटल बिजनेस का जो माइंडसेट होता है इनका इनके पीछे का, वो सीधा सीधे होता है कि कुछ भी मार्केट के अंदर है तो सबसे पहले हम ही उसमें एंट्री मारेंगे, और अगर एंट्री नहीं मार पाए खुद के थ्रू तो दूसरे को एक्वायर करके एंट्री मारेंगे और मार्केट लेकिन शेयर जो है हम ही रखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इन्होंने स्टार्ट तो किया था अपने टोबैको कंपनी से, लेकिन अब जो इनका मेजर फोकस होता है वो FMCG सेक्टर पे होता है। क्योंकि बेसिकली ये जो टबैको वगैरह जो कंपनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है, और इन्होंने इसीलिए इसका नाम भी बदल दिया था, जहाँ ये डायरेक्ट ITC कर देते हैं अपना ब्रांड को, और इसीलिए फिर ये डायरेक्ट FMCG पे फोकस करने लग जाते हैं। और FMCG में तो इतना बड़ा मार्केट ये फैला ही लेते हैं अपना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा मार्केट आज के टाइम में कैटर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये FMCG सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ITC। अब आपको लगता होगा दोस्तों कि इसके पीछे जरूर कोई 10-12 लोगों या 10-20 लोगों की टीम होगी इन FMCG सेक्टर को ऊपर पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं बता दूं आपको ये अकेले देवेश्वर जी थे, जिसके मैंने पीछे भी बात की थी। तो मैं बताऊं आपको, तो साल 1968 में इन्होंने ITC कंपनी को ज्वाइन किया होता है, और बहुत ही जल्द इनको 1984 के अंदर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट कर लिया जाता है। और कुछ समय काम करने के बाद वो ITC छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें एयर इंडिया में एज ए MD और चेयरमैन का पद मिल जाता है। और साल 1991 से 1994 में वहाँ पे वो काम करते हैं, और फिर वो बैक टू ITC आ जाते हैं 1996 में, जहाँ पे उनको CEO की पोस्ट और चेयरमैन की पोस्ट मिल जाती है। और अगर देवेश्वर जी की हम हिस्ट्री की बात करें तो साल 1947 में इनका जन्म होता है लाहौर के अंदर, और अपनी बेसिक स्टडीज़ कम्प्लीट करने के बाद ये IIT और हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ये ITC ज्वाइन करते हैं। और इनके स्किल्स को देखते हुए हर जगह इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, और एयर इंडिया में इन्होंने काम तो किया ही, और साथ ही साथ ITC को ये इतने टॉप लेवल पर ले गए, और इसीलिए इनको पद्म भूषण का भी अवार्ड मिलता है बॉटसन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। और बात करें बिजनेस हार्वर्ड रिव्यू के द्वारा भी इनको दुनिया का 7वां सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग CEO के रूप में भी अपॉइंट करके अवार्ड दिया जाता है। और वैसे तो देवेश्वर जी आज हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी 11 मई 2019 को ही, और उसी के बाद इनके सक्सेसर के रूप में कंपनी के नए चेयरमैन संजीव पुरी जी अपॉइंट किए जाते हैं, जहाँ पे वो 13 मई 2019 से अभी तक कार्यरत हैं। और ये देवेश्वर जी की देन है दोस्तों कि आज ITC का जो टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 2.55 लाख करोड़ का। और वहीं अगर हम रिवेन्यू की बात करें इनकी, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका जो नेट रिवेन्यू है वो है लगभग 48,000 करोड़ का। और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका नेट प्रॉफिट लगभग 12,900 करोड़ रुपए का होता है।
और इनका कहना है कि इनका जो सेल है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल 8% से ग्रो कर रहा है। और इनके एफएमसीजी सेक्टर के बारे में तो हमने पीछे बात की कि ये इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी आते हैं इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो होटल इंडस्ट्री में भी इन्होंने इतना पैर जमाया है अपने इंडिया के अंदर कि ये थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर आते हैं इंडिया के अंदर होटल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों ये थी हमारी केस स्टडी ITC के ऊपर और उनके जो चेयरमैन हैं जिनके वजह से कितने ज़्यादा ग्रोथ हुई कंपनी को, YC देवेश्वर जी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी लगा होगा और काफ़ी इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक्सपेंड करने का वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले और हमारा जो चैनल का मोटिव है वो भी पूरा हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाए। और हाँ, कमेंट में अपने रिव्यू जरूर शेयर करना इस केस स्टडी के ऊपर और साथ ही साथ अगर भविष्य में आपको किसी भी और स्टार्टअप या बिजनेस के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसमें भी केस स्टडी जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।